हे hey गाइस आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एक ऑस्ट्रेलियन नॉवल जिसका नाम है वॉस और उसे लिखा है पैट्रिक वाइट ने पैट्रिक वाइट की ये फिफ्थ नॉवल थी और ये पब्लिश हुई थी 1957 में पैट्रिक वाइट फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन है जिन्हें की नोबल प्राइज मिला था उन्हें नोबल प्राइज 1973 में मिला था उनका बर्थ हुआ था ट्वेंटी एट मई में इंग्लैंड में एंड ही वॉज ड्राइड ऑन ऑस्ट्रेलिया जो नॉवल है मेनली ये एक ऐसे नावल है एक ऐसे पर्सन की लाइफ पर बेस है जो नाइनटीन सेंचुरी के एक पर्शियन एक्सप्लोरर थे और नेचुरलिस्ट भी थे एक्सप्लोरर होते हैं मेनली वो पर्सन जो किसी एरिया को एक्सप्लोर करते हैं उसके बारे में पता लगाते हैं वहां पर जाते हैं अपना क्रू लेके अपनी पूरी सेना लेके या फिर जो उनके फ्रेंड्स होते हैं उनके पास एक्सप्लोर करते हैं और उनका नाम था लुडविक लुडविक जो थे वो एक पर्शियन थे और वो एक आउटबैक में गए थे ऑस्ट्रेलियन आउटबैक में और वहाँ से वो रैंडम डिसअपियर हो गए थे उसके बाद उनकी कोई न्यूज नहीं थी तो एक बहुत ज्यादा चीज़ हुई थी मेनली जो आउटबैक है है वो ऑस्ट्रेलियन बुश को बोला जाता है। एक ऐसा एरिया जहां पर चारों तरफ झाड़िया हो और बहुत ज़्यादा सुनसान हो आइसोलेटेड एरिया हो वहां पर ये जो वॉस है इससे पहले एक नॉवल आई थी जिसका नाम था द ट्री ऑफ मैन और उसके बाद एक नॉवल आई है वॉस के बाद जिसका नाम है राइडर्स इन द चैरियट ये जो वॉस है इसका जॉनरा है नॉवल और एक फिक्शन है तो जो पैट्रिक वाइट है उन्हें नॉवल प्राइज मिला था इन्हें माइल्स फ्रेंकलिन लिटरेरी अवार्ड भी मिला था वॉस के लिए राइडर्स इन द चैरियट के लिए इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स है जैसे कि हैप्पी वैली है द विंग एंड द डेड द सॉलिड मंडाला सॉलिड मंडाला को हमने कवर कर दिया है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल भी दिया है तो इनका एक और फेमस वर्क है जिसका नाम है हैंगिंग गार्डन ये एक अनफिनिश्ड है और इनके मरने के बाद ही इनकी डेथ के बाद ही वो पब्लिश हुई है आज हम इनकी नॉवल को कवर करेंगे वॉस को तो जो नॉवल है वो सेंटर करती है दो कैरेक्टर्स के साथ दो कैरेक्टर्स नॉवल के सेंटर में रहेंगे एक का नाम है वॉस और एक का नाम है लॉरा वॉस है वो एक जर्मन है है जो लॉरा वो एक यंग वुमेन है जो कि एक ऑर्फेन भी है ऑर्फिन थी वो बचपन से ही अब ये जो लॉरा है ये साउथ ये जो न्यू साउथ वेल्स है वहां की जो कॉलोनी है वहां पर वो नई नई आई है और ये नॉवल होती है वॉस और लॉरा की फर्स्ट मीटिंग से कि जो इनकी फर्स्ट मीटिंग होती है वो लॉरा के एक अंकल हैं जिनका नाम है मिस्टर बॉनर मिस्टर बॉनर के घर पर ही ये मिलते हैं दोनों मिस्टर बॉनर जो है वो वॉस के एक्सपेडिशन भी हैं जो वो ट्रैवल करते हैं वो उसके पैटर्न भी हैं कि वो उसका जो अभियान होता है कहीं पर जाने का जो वो ट्रैवल करता है वॉस वो उसके लिए उसके पैटर्न है उसके लिए पैसे भी देते हैं उसके साथ भी रहते हैं तो जो वॉश है वो अपने क्रू के साथ जो उनके बोट पे कुछ लोग हैं उनके साथ ऑस्ट्रेलियन आउटबैक में जाना चाहता है वहीं पे वो जाता है अब आउटबैक यहाँ पे मेनली बुश एरिया है जो ऑस्ट्रेलिया का है लॉन्ली प्लेस है आइसोलेटेड है तो ये 1845 की बात है जब ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में ही जाते हैं इसमें इसके कुछ क्रू मेम्बर्स हैं जैसे कि जुड है एक का नाम है री एक है Harry, एक डुगल है हैरी एक एक जैकी है और भी कुछ लोग हैं तो इनमें हर एक पर्सन की अपने अलग पॉइंट ऑफ व्यू है इस जर्नी को लेकर कोई कुछ और सोचता है कोई कुछ और सोचता है जो जुड़ है वो मेनली प्रिज़नर था जिसे अभी अभी फ्रीडम मिली है और अब वो जो फ्रीडम जब उसे मिल गई है अब जब वो बाहर आया है तो फिर वो इस जो उसकी जर्नी होगी जो पर उसकी जर्नी है वो उसको इस तरीके से देखता है कि उसको रेंडम एक जब फ्रीडम मिल गई है तो उसके बाद जो उसकी लाइफ है वो कैसी होगी तो सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है लेकिन जो वॉस है वो सोचता है कि वो एक ऐसी जगह को एक्सप्लोर करेगा जो पहले कभी हुई नहीं है तो ये क्रॉस करते हैं ड्रॉप तो ये क्रॉस करते हैं एक ड्रॉट डेजर्ट को जहाँ पर बहुत ज्यादा सूखा सा है उसके बाद ये एक जगह पे वाटर लॉकड लैंड को भी क्रॉस करते हैं जैसे दलदल टाइप के जो एरिया होते हैं वहाँ पर और सडनली रेन स्टार्ट हो जाती है और ये सभी एक केव में छुप जाते हैं कुछ टाइम के लिए कि कुछ वीक बाद जब रेन जो बारिश है वो रुक जाएगी तो वहाँ से चले जाएंगे अब जो वॉस है और जो लॉरा है इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन है वॉस हालांकि यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है जहाँ पे लॉरा है क्योंकि वो तो अपने क्रू के साथ एक्सप्लोर करने गया है लेकिन फिर भी ये जो दोनों है ये आपस में बातचीत करते हैं थ्रू इमेजिनेशन एंड ड्रीम्स उसे ऐसा लगता है और उन दोनों को ऐसे बीच में फीलिंग्स होती है विजन होता है कि वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं वॉस की एबसेंस में जो लॉरा है एक ऑर्फिन चाइल्ड को अडॉप्ट कर लेती है और एक बॉल में मतलब बॉल का मतलब होता है पार्टी तो वो एक पार्टी को भी अटेंड करती है अब यहाँ पर एक कैरेक्टर है पेल फेरीम तो वहाँ यहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है ये जो इनके एक्सप्लोरर गए थे इनकी जो पूरी गैंग थी टीम थी उनमें से एक पर्सन की डेथ हो जाती है और जो एक्सप्लोरर होते हैं जो क्रू के मेंबर होते हैं वो जो टीम होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है स्प्लिट हो जाती है कुछ ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि वो आगे नहीं जाएंगे और लौट कर अपने घर वापस चले जाएंगे क्योंकि इनके बीच में जो प्रॉब्लम्स हो रही थी जो एरिया था वो इनके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं था तो ये सोचते हैं कि वो वापस चले जाएंगे और कुछ ऐसे थे जो सोचते हैं कि वो वॉयस के साथ आगे बढ़ेंगे आगे जाएंगे आउटबैक तक जाएंगे अब नियरली ऑल मेंबर्स जो हैं जितने भी मेंबर्स हैं वो लास्ट में मर जाते हैं पेरिश हो जाते हैं उनकी डेथ हो जाती है वॉस की भी कोई खबर नहीं आती है ये यहाँ पर इतने ही पर होता है उसके बाद ट्वेंटी इयर्स बाद का सीन दिखाते हैं कि गार्डन पार्टी हो रही है जिसे लॉरा का एक कज़न है बेले रेडक्लिफ उसने ऑर्गेनाइज किया है उसने होस्ट किया उस पार्टी को उस पार्टी में लॉरा भी जाती है और जो ओनली सर्वाइवर होता है जो इनका क्रू गया होता है वॉस के साथ उन उसका जो ओनली सर्वाइवर होता है जिसका नाम जुड है वो भी उस पार्टी में आता है अब यहाँ पर आकर वो बताता है लॉरा को वॉस के बारे में कि जो वॉस है वो सडनली डिसअपियर कैसे हो गया क्योंकि ये जो जुड़ है ये वापस आ गया था अपने घर पर ये उनमें से था जिन्होंने डिसाइड किया कि वो आगे नहीं जाएंगे वो वापस अपने घर चले जाएंगे तो वो बताता है कि वॉस की डेथ के बारे में उसकी डेथ कैसे हुई जो वॉस है उसने सफ़र किया है इसलिए किया है क्योंकि जो फेथ था उसके बीच में और जो एबोरिजिनल पीपल थे ऑस्ट्रेलिया के उनके बीच में उसने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है उनके बीच में कोई फेथ नहीं था कोई ट्रस्ट नहीं था अब यहाँ पर यह भी पता चलता है एक का नाम था जैकी जो इनका क्रू मेंबर ही था वो एक ट्रेटर निकल जाता है मतलब कि एक धोखेबाज निकल जाता है यहाँ पर एक पर्सन है जिसकी डेथ ऐसे हो जाती है कि जब उसे ऑबारिजिनल पीपल पकड़ लेते हैं तो वो सोचता है कि वो उन ऑबारिजिनल पीपल के हाथों मरने से बेटर है कि वो खुद मर जाए और वो अपने गले को काट लेता है स्प्रिड कर लेता है अपने हेड को अब जो जैकी है क्योंकि वो तो यहाँ पर ट्रेडर दिखाया गया है कि वो धोखा देगा तो यहाँ पर वो वॉस को भी धोखा देता है और उसे भी मार देता है और इस तरीके से जितने भी मेम्बर्स होते हैं सबकी डेथ हो जाती है सिर्फ एक परसेंट बचता है जिसका नाम जुड है जो कि वापस चला आया होता है और यहीं पर ये यह जो नॉवल है यहाँ पर ये यह खत्म हो जाती है तो मेनली इस नॉवल में सिम्बुलिज्म को दिखाया हुआ है कि जैसे रिलीजियस सिंबलिज्म की बात करें वॉस को बार बार गॉड क्राइस्ट या फिर डेविल से कंपेयर किया जाता है जैसे क्राइस्ट थे वो डेजर्ट में गए थे उसी तरीके से जो वॉस है वो भी डेजर्टेड एरिया में जाता है वो भी अपने जो उसकी गैंग है जो उसके जो पीपल हैं उसके जो गैंग मैम्बर हैं उसका वो भी लीडर है और एक चीज है जैसे कि जो वॉस है और जो लॉरा है जब जाने से पहले वो गार्डन में मिलते हैं तो सो इट कुड बी कम्पेयर टू द गार्डन ऑफ इडन जो कि एडम और ईव का था अगर हम फिजिकल की बात करें मेटाफिजिकल थ्रेड की मेटाफिजिकल धागे की बात करें कि कैसे दोनों कनेक्ट हैं तो जो लॉरा है और जो वॉस है वो एक साथ रहते नहीं है लेकिन फिर भी वो विजन के थ्रू जो उनका कम्युनिकेशन है वो होता रहता है तो ये मेटाफिजिकल थ्रेड है उनके बीच में जो जिसने दोनों को बांधा हुआ है और उसमें डुअलिटी ये भी बात करी गई है कि जो क्रू है जो इनकी ट्रैवलिंग पार्टी थी उसके बीच में कैसे डुअलिटी थी कुछ थे जो वॉस को लीड कर रहे थे उसके पीछे पीछे चल रहे थे और कुछ थे जो जूडस जिन्हें लीड कर रहा था और इसमें थीम भी दिखाई हुई है जो सफरिंग की थीम है कि कैसे जो वाइट एक्सप्लोर थे वो वहाँ से जाते हैं एबोजिनल एरिया में लेकिन वहाँ पर जाकर उन्हें सिर्फ सफरिंग मिलती है क्योंकि उनके और जो ओबिजिनल पीपल हैं उन दोनों के बीच में फेथ की कमी है ट्रस्ट की कमी है और इसके साथ ये नॉवल यहाँ पर ख़त्म होती है थीम्स खत्म होते हैं आई रियली होप दैट यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू